यह मुमकिन नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तेरा तारिक पीरज़ादा साहब को इन्वॉल्व कर लूँ। तारिक साहब वही इंटरनेशनल और या अमेरिकी की जो बात करते हैं हम, जो वो खदशात जाहिर कर रहे होते हैं, तो असल खदशा क्या है? इसराइल का बहुत ज्यादा उन्हें खदशा है या उन्हें वाकई दो हैं न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की हद तक इंडिया और उसके मुफादात को भी देख रहे हैं वो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को डिसार्म करने वाली बात भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि अगर हम शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को इस वक्त बैटलफील्ड, देखिए बैटलफील्ड वेपन्स हैं ये, दीज शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल्स आर बैटलफील्ड वेपन्स, एक स्मॉल थिएटर ऑफ वॉर में इस्तेमाल होने के लिए हैं। ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स नहीं है, जैसे यहां से लेके आपने कोचिन को तबाह कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भारत को यह पैगाम दे रहे हैं कि आपकी कभी भी पाकिस्तान की सॉवरेंटी, इख्तदार आला और पाकिस्तान के वजूद सर्वाइवल के खिलाफ, अमेरिकन क्या चाहते हैं ये ना हो, मैं यही चाहता, पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। देखें वो करते क्या है, आपको 40 F-16 दे दिए अफगान जंग में, ठीक है, उसके बाद 25 साल आपको पुर्जों के लिए तरसाते रहे हैं, और ये इसी तरह आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो 20 साल रोकने की कोशिश करते रहे, हम निकल कर आ गए। ये प्रोग्राम किसी की देन नहीं है, इट्स नॉट ए गिफ्ट फ्रॉम वॉशिंगटन, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स का गिफ्ट दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए था, ये हमारे लिए नहीं है। चुनाचे हम पर उनका कोई भी ऐसा दबाव उसूलन होना नहीं चाहिए, कबूल नहीं हमें करना चाहिए, ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि वो मैं प्रेसिडेंट रेगन का मशहूर कॉल और सेनेटर सैम नन का, वो ये था कि 80s के शुरू में एक फिक्र में बात करता हूं, यूएस सेनेट ने 3 दिन और 3 रात इस पर डिबेट किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होने के मुतालिक यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो रियलिटी को सामने रखते हुए जो सैम नन ने बात कही थी और वो रेगन ने अपनी तकरीर में दोहराई थी कि जब एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात आएगी और यूनाइटेड स्टेट्स के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और उसके डिफेंस की बात आएगी तो यू नेवर से नेवर, यू नेवर से नेवर, ये आप ना कीजिएगा। ये जो लोग बात करते हैं ना कि एटमी हथियार कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि दुश्मन को डिटेरेंस जाती रहे कि यहां पर आपने रुक जाना, ये खत है, इससे आगे नहीं जाएंगे। मैं कहना ये चाह रहा था अभी एक सेकंड पहले, और ये भाई को भी मालूम होगा और डॉक्टर सबर वारिबंद की यकीनन बड़ी नजर है, इस वक्त तकरीबन 250 SU-30 MK-1 उनके पास 350 किलोमीटर की रेंज वाले रेडार्स के साथ हैवी ड्यूटी स्ट्रेटेजिक फाइटर प्लेन्स हैं इंडिया के पास जो रूस के दिए हुए हैं। हमारे पास सिर्फ आपको वक्त मिलेगा, इस वक्त हमारे पास सिर्फ 75 F-16s हैं, उनमें भी बेशतर जो हैं 18 को छोड़कर वो अपग्रेडेड हैं। तो हमारी तो इस वक्त कंपैरिजन जो है एयर में तो बिल्कुल ही कोई नहीं है। हमने उनको एक थ्रेट लेवल रखना है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान को, कि अगर आप कभी गलती करेंगे तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो गुफ्तगू हो रही थी अभी एक सेकंड पहले कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाला डॉक्ट्रिन किसने दिया था, मैं आ रहा हूं उस तरफ, ये जो कोल्ड स्टार्ट का उन्होंने डॉक्ट्रिन दिया था उसके जवाब में हमने कहा है कि इफ वी रियलाइज कि आपके कॉलम्स हमारी तरफ आ रहे हैं मैसिव मूवमेंट में और वो हमारे किसी कोई भी जो भी आपका इंटेंशन है, हम बैटलफील्ड के अंदर आपकी फोर्सेस को तबाह करने के लिए ये वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। तारिक साहब, परवेज हुदबाई साहब, आप तारिक साहब के लिए आपका कोई सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि चलिए इंडिया की तरफ से टैंक्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, चलिए उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, आपने उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स चला दिए और उनमें से कुछ तबाह हुए कुछ बच गए, लेकिन जो ही आपने न्यूक्लियर वेपन्स उनके ऊपर इस्तेमाल किया तो उनका ये कहना है और ये बार बार वो कह चुके हैं कि ये हमारी फौज के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हमें मजबूर करेगा कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें। चुनाचे वो अपनी तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स हमारे शहरों पर, हमारी फौज पे, पूरे पाकिस्तान पर बरसाएंगे। तो चलिए हम भी उनको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, वो हमें तबाह आसानी से कर सकते हैं।
لہٰذا دونوں ممالک جو ہیں ختم ہو جائیں گے. اگر ہم نے پہل کی نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے کی تو پھر ایسا ہی ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا. جواب دے دوں ذرا سے جلدی سے. پاکستان کی سٹیٹ کو بچانے کے لیے پاکستان کو دنیا میں موجود ہر وہ سسٹم استعمال کرنا ہے جو ہر دوسرے ملک کا حق ہے, جس طرح واشنگٹن کا حق ہے, موسکو کا حق ہے. اگر اسی بات یہی بات ہے کہ اگر ان کی کولڈ سٹار ڈاکٹرین پہ یا پرو ایکٹیو ڈاکٹرین جو انہوں نے اس کے جواب میں لے کے آئے ہیں تو استعمال کرتے ہیں کنونشنل ویپنز کے. اچھا, اعزاز چودھری کی ایک بات کو اصل میں ہم نے ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو گیپ ہے کنونشنل ویپنز کیپیبلٹی کے درمیان, اس کو پر کرنے کے لیے ہم نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بنائے. ٹھیک, اگر اس بات کو سمجھنے میں مشکل ہے تو اس کا کوئی جواب. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ناظرین, یہ جنگی پرپزز کے لیے یا جنگی بنیادوں پر ہم نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ تو سیکھ لیا, لیکن یہ پیسفل پرپزز جسے ہم انرجی بنا سکتے ہیں اس کا استعمال نہیں ہے. اس کے لیے ہم خواہاں بھی ہیں کہ امریکہ ہماری اس میں مدد کرے. کیا ہو سکتا ہے اس میں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب, ہم نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے وار پرپزز کے لیے یا ڈیفنس پرپزز کے لیے یا ڈیٹرنس کے لیے, لیکن یہ جو پیسفل یوز ہوتا ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا, جس سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں, توانائی پیدا کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم امریکہ کے سے کیوں مدد کے خواہاں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے اتنے ہم مدد کے خواہاں نہیں ہیں جتنے امریکہ ہمیں مدد دینے کا خواہاں ہے اس وقت, اور وہ بھی اس عوض کے ہم اپنا ابینڈن کر دیں ڈیٹرنس. تو یہ ڈیٹرنس جو ہے یہ ابینڈن نہیں ہو سکتا. جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ٹینشن ہوتی ہے اور ہم امریکہ کو اپروچ کرتے ہیں تو امریکہ کہتا ہے یہ آپ کا بائی لیٹرل معاملہ, آپ اس میں طے کریں. جب انڈیا نے 40 ڈویژن فوج ریز کی تھی کولڈ سٹار ڈاکٹرین کے تحت اور اس کو ویپن سے لیس کیا تھا, اس وقت امریکہ نے ان کو تو نہیں روکا جا کے کہ اب اس سے یہاں ٹینشن بڑھیں گی اور پاکستان کچھ اور کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. تو جب اس کا ہم نے جواب نکال لیا تو اب ہمیں کس منہ سے وہ منع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک تو بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جہاں تک ہمارے پیسفل نیوکلیئر اپلیکیشنز کا تعلق ہے انرجی کے لیے, ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 4 ریئیکٹرز آلموسٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں, 5واں بننا شروع ہو گیا ہے. وہ چائنیز ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں جو چائنیز ہماری مدد جی 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 ہاں جی ہاں اس میں کچھ تھوڑی بہت ہمارا ڈیلیشن پروگرام بھی اب اس میں آتا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. کچھ چیزیں ہم خود بنا کر بھی لگا رہے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں اگر فرض کریں بالکل ورلڈ کی اوپن ہو مارکیٹ ہمارے لیے اور ہم جہاں سے چاہیں ریئیکٹر خرید سکیں, تو آپ ذرا انٹرنیشنل بیڈنگ کروا کے دیکھیے چائنیز ریئیکٹر سے امریکن ریئیکٹر کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی اور ہم کیا افورڈ کر سکیں گے. تو اگر ہمیں آفر بھی کریں گے تو پرائسز جو ہے وہ پروہیبیٹو ہوں گی. میں آج کل اپنے تھرڈ کول پروجیکٹ کے لیے کوئی بھی ہیوی مشینری آرڈر کرتا ہوں, انٹرنیشنل ٹینڈرز کرتا ہوں, ہمیشہ چائنیز جو ہے وہ لوئسٹ بیٹر ہوتے ہیں. تو ہمیں ویپنز ہمارے شہروں پر, ہماری فوج پہ, پورے پاکستان پر برسائیں گے, تو چلیے ہم بھی ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ ہمیں تباہ آسانی سے کر سکتے ہیں. لہذا دونوں ممالک جو ہیں ختم ہو جائیں گے. اگر ہم نے پہل کی نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے کی تو پھر ایسا ہی ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا. جواب دے دوں ذرا سے جلدی سے. پاکستان کی سٹیٹ کو بچانے کے لیے پاکستان کو دنیا میں موجود ہر وہ سسٹم استعمال کرنا ہے جو ہر دوسرے ملک کا حق ہے, جس طرح واشنگٹن کا حق ہے, موسکو کا حق ہے. اگر اسی بات یہی بات ہے کہ اگر ان کی کولڈ سٹار ڈاکٹرین پہ یا پرو ایکٹیو ڈاکٹرین جو انہوں نے اس کے جواب میں لے کے آئے ہیں تو استعمال کرتے ہیں کنونشنل ویپنز کے. اچھا, اعزاز چودھری کی ایک بات کو اصل میں ہم نے ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو گیپ ہے کنونشنل ویپنز کیپیبلٹی کے درمیان, اس کو پر کرنے کے لیے ہم نے
टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। ठीक, अगर इस बात को समझने में मुश्किल है तो उसका कोई जवाब। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नाजन, ये जंगी पर्पसेस के लिए या जंगी बुनियादों पर हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो तो सीख लिया, लेकिन ये पीसफुल पर्पसेस जिससे हम एनर्जी बना सकते हैं उसका इस्तेमाल नहीं है, उसके लिए हम खाहां भी हैं कि अमेरिका हमारी उस पर मदद करे, क्या हो सकता है इसमें, इस हवाले से हम बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। साथ में हमारे पास सिर्फ 75 F-16s हैं, उनमें भी बेशतर जो है 18 को छोड़कर वो अपग्रेडेड है, तो हमारी तो इस वक्त कंपेरिजन जो है एयर में तो बिल्कुल ही कोई नहीं है। हमने उनको एक थ्रेट लेवल रखना है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान को, कि अगर आप कभी गलती करेंगे तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो गुफ्तगू हो रही थी अभी एक सेकंड पहले कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाला डॉक्ट्रिन किसने दिया तारिक साहब, मैं आ रहा हूं उस तरफ, ये जो कोल्ड स्टार्ट का उन्होंने डॉक्ट्रिन दिया था उसके जवाब में हमने कहा है कि इफ वी रियलाइज कि आपके कॉलम्स हमारी तरफ आ रहे हैं मैसिव मूवमेंट में और वो हमारे किसी कोई भी जो भी आपका इंटेंशन है, हम बैटलफील्ड के अंदर आपकी फोर्सेस को तबाह करने के लिए ये वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। तारिक साहब, परवेज हुदबा साहब, आप तारिक साहब के लिए आपका कोई सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि चलिए इंडिया की तरफ से टैंक्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, चलिए उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, आपने उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स चला दिए और उनमें से कुछ तबाह हुए कुछ बच गए, लेकिन जो ही आपने न्यूक्लियर वेपन्स उनके ऊपर इस्तेमाल किया तो उनका ये कहना है और ये बार बार वो कह चुके हैं कि ये हमारी फौज के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हमें मजबूर करेगा कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें, चुनाचे वो अपनी तरफ से न्यूक्लियर के लिए था, ये हमारे लिए नहीं है, चुनाचे हम पर उनका कोई भी ऐसा दबाव उसूलन होना नहीं कबूल नहीं हमें करना चाहिए। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि वो मैं प्रेसिडेंट रेगन का मशहूर कॉल और सेनेटर सैम नन का वो ये था कि 80s के शुरू में एक फिक्रे में बात करता हूं, यूएस सेनेट ने 3 दिन और 3 रात इस पर डिबेट किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होने के मुतालिक यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो रियलिटी को सामने रखते हुए जो सैम नन ने बात कही थी और वो रेगन ने अपनी तकरीर में दोहराई थी कि जब एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात आएगी और यूनाइटेड स्टेट्स के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और उसके डिफेंस की बात आएगी तो यू नेवर से नेवर ये आप याद कीजिएगा। ये जो लोग बात करते हैं ना कि एटमी हथियार कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि दुश्मन को डिटेरेंस जाती रहे कि यहां पर आपने रुक जाना, ये खत है, इससे आगे नहीं जाएंगे। मैं कहना ये चाह रहा था अभी एक सेकंड पहले, और ये भाई को भी मालूम होगा और डॉक्टर सबर वारिबंद की यकीनन बड़ी नजर है, इस वक्त तकरीबन 250 SU-30 MK-1 उनके पास 350 किलोमीटर की रेंज वाले रेडार्स के साथ हैवी ड्यूटी स्ट्रेटेजिक फाइटर प्लेन्स हैं इंडिया के पास जो रूस के दिए हुए हैं। हमारे पास सिर्फ आपको वक्त मिलेगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। डॉक्टर समर मुबारक मन साहब, हमने एटमी हथियार बना लिए वॉर पर्पसेस के लिए या डिफेंस पर्पसेस के लिए या डिटेरेंस के लिए, लेकिन ये जो पीसफुल यूज होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, तवानाई पैदा कर सकते हैं, उसके लिए हम अमेरिका के से क्यों मदद के खा हैं? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है इतने हम मदद के ख्वाहां नहीं हैं जितने अमेरिका हमें मदद देने का ख्वाहां है इस वक्त, और वो भी इस एवज के हम अपना अबैंडन कर दें डिटेरेंस। तो ये डिटेरेंस जो है ये अबैंडन नहीं हो सकता। जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई टेंशन होती है और हम अमेरिका को अप्रोच करते हैं तो अमेरिका कहता है ये आपका बाइलेटरल मामला, आप इसमें तय करें। जब इंडिया ने 40 डिवीजन फौज रेज की थी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के तहत और उसको वेपन से लेस किया था, उस वक्त अमेरिका ने उनको तो नहीं रोका जाके कि अब इससे यहाँ टेंशन बढ़ेगी और पाकिस्तान कुछ और करने पर मजबूर हो जाएगा। तो जब उसका हमने जवाब निकाल लिया
तो अब हमें किस किस मुंह से वो मना कर सकते हैं? तो ये एक तो बात ये मैं कहना चाहता हूँ। जहां तक हमारे पीसफुल न्यूक्लियर एप्लीकेशन का ताल्लुक है एनर्जी के लिए, हम इस वक्त आपको पता है कि 4 रिएक्टर्स ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और 5वां ये मुमकिन नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तेरा तारिक पीरज़ादा साहब को इन्वॉल्व कर लूँ। तारिक साहब, वही इंटरनेशनल और या अमेरिकी की जो बात करते हैं हम, जो वो खदशात जाहिर कर रहे होते हैं, तो असल खदशा क्या है? इसराइल का बहुत ज्यादा उन्हें खदशा है या उन्हें वाकई दो, दो हैं न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की हद तक इंडिया और उसके मुफादात को भी देख रहे हैं वो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को डिसार्म करने वाली बात भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि अगर हम शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को इस वक्त बैटलफील्ड, देखिए बैटलफील्ड वेपन्स हैं ये, दीज शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल्स आर बैटलफील्ड वेपन्स, एक स्मॉल थिएटर ऑफ वॉर में इस्तेमाल होने के लिए हैं, ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स नहीं है। यहां से लेके आपने कोचिन को तबाह कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भारत को यह पैगाम दे रहे हैं कि आपकी कभी भी पाकिस्तान की सॉवरेंटी, इख्तदार आला और पाकिस्तान के वजूद सर्वाइवल के खिलाफ, अमेरिकन्स क्या चाहते हैं ये ना हो, मैं यही चाहता, पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। देखिए वो करते क्या है, आपको 40 F-16 दे दिए अफगान जंग में, ठीक है, उसके बाद 25 साल आपको पुर्जों के लिए तरसाते रहे हैं, और इसी तरह आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो 20 साल रोकने की कोशिश करते रहे, हम निकल कर आ गए, ये प्रोग्राम किसी की देन नहीं है, इट्स नॉट ए गिफ्ट फ्रॉम वॉशिंगटन, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स का गिफ्ट दूसरे वेस्टर्न कंट्री। न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की हद तक इंडिया और उसके मुफादात को भी देख रहे हैं वो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को डिसार्म करने वाली बात भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि अगर हम शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को इस वक्त बैटलफील्ड, देखिए बैटलफील्ड वेपन्स हैं ये, दीज शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल्स आर बैटलफील्ड वेपन्स, एक स्मॉल थिएटर ऑफ वॉर में इस्तेमाल होने के लिए हैं, ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स नहीं है, यहां से लेके आपने कोचिन को तबाह कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भारत को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपकी कभी भी पाकिस्तान की ये मुमकिन नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तेरा तारिक पीरज़ादा साहब को इन्वॉल्व कर लूँ। तारिक साहब, वही इंटरनेशनल और या अमेरिकी की जो बात करते हैं हम, जो वो खदशात जाहिर कर रहे होते हैं, तो असल खदशा क्या है? इसराइल का बहुत ज्यादा उन्हें खदशा है या उन्हें वाकई दो, दो हैं, सॉवरेंटी, इख्तदार आला और पाकिस्तान के वजूद सर्वाइवल के खिलाफ, अमेरिकन क्या चाहते हैं ये ना हो, मैं यही चाहता, पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। देखें वो करते क्या है, आपको 40 F-16 दे दिए अफगान जंग में, ठीक है, उसके बाद 25 साल आपको पुर्जों के लिए तरसाते रहे हैं, और इसी तरह आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो 20 साल रोकने की कोशिश करते रहे, हम निकल कर आ गए, ये प्रोग्राम किसी की देन नहीं है, इट्स नॉट ए गिफ्ट फ्रॉम वॉशिंगटन, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स का गिफ्ट दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए था, यह हमारे लिए नहीं है, चुनाचे हम पर उनका कोई भी ऐसा